हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। तो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ समर कलेक्शन, कुछ ड्रेसेस और उसको कैसे करना है आपको स्टाइल। तो डिफरेंट ड्रेसेस जो मैंने शॉपिंग की थी तो उसका रिव्यू भी साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और उसको स्टाइल कैसे करना है हेयर स्टाइल, ज्वेलरी, मेकअप के साथ। तो गाइस, आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो ज़्यादा वेट नहीं कराते, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस, ये मेरी फर्स्ट ड्रेस थी और इसको मैंने परचेस किया था मिंत्रा से। लॉन्ग ड्रेस थी, गर्मियों के लिए हाईली रिकमेंड करने वाली हूँ। मुझे काफ़ी ब्यूटीफुल लगा, स्पेशली इसका बैक। फुल गाउन है, कॉटन मटेरियल काफ़ी अच्छा है, कॉटन मटेरियल है। और इसके साथ मैंने पेयर किया था ये इयर रिंग, मिरर इयर रिंग। और आप चाहे तो अपने हिसाब से आप कुछ भी मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं। मुझे इसके साथ ये मैचिंग अच्छी लगी थी इस इयर रिंग की, तो मैंने इसको पहना था। इसके साथ अगर हेयर स्टाइल की बात की जाए तो मैंने जूड़ा यहाँ पर बनाया था, क्योंकि गर्मियों का टाइम और गर्मियों के टाइम पे अगर आप ऐसे गाउन पेयर करिए हो, स्पेशली मुझे इसका बैक हाईलाइट करना था तो मैंने जूड़ा बनाया हुआ था और मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसके साथ ये इयर रिंग भी। तो आई होप गाइस ये आपको अच्छी लगी हो मेरी गाउन। इसके साथ मैंने ये सैंडल पहनी है, इसमें थोड़ी सी प्लेटफॉर्म हील है, ब्लू कलर थोड़ा बहुत मैच करती है और मेरी हाइट को भी थोड़ा इन्हेंस कर रही है और मैं काफ़ी स्टाइलिश लग रही हूँ। उसके साथ मैंने ये नेकलेस वेयर किया था, तो ये ओवरऑल मेरा लुक कंप्लीट हो गया। और इसके साथ मैंने मेकअप बिल्कुल नहीं किया था, क्योंकि दिन का टाइम था। मैंने हल्की सी लिपस्टिक यहाँ पर लगाई थी और मेकअप पे यहाँ इवन मैंने लाइनर भी नहीं ट्राई किया था सिंपल, क्योंकि अगर डे के टाइम पे पूरा मेकअप उतर जाता है इसलिए। और इस बैग के साथ मेरा जो लुक है वो कंप्लीट हो गया। तो ये क्लॉथ बैग है और गर्मियों के टाइम पे और इसके साथ स्पेशली मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो आई होप गाइस ये आपको अच्छा लगा हो, ये मेरा फाइनल लुक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये है मेरी सेकेंड ड्रेस और ये कुर्ती मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। इसको मैंने वेयर किया हुआ है जीन्स के साथ। और इस कुर्ती की खास बात इसका बैक है, यहाँ पर इसका बैक देखिए, इसका इवन बैक डिज़ाइन देखकर ही मैंने इस कुर्ती को परचेस किया था। और कलर कॉम्बिनेशन की बात की जाए इस कुर्ती की, तो यस, मेरे स्किन टोन को काफ़ी मैच कर रहा था। और जूड़ा यहाँ पर हेयर स्टाइल मैंने किया हुआ है, क्योंकि अगर मैं ओपन रखती या कुछ और हेयर स्टाइल करती तो बैक हाईलाइट नहीं होता, मुझे बैक को ही हाईलाइट करना था। इयर रिंग ये मैं पेयर कर रही हूँ इस कुर्ती के साथ। तो ओवरऑल इसका जो लुक है तो ये इस इयर रिंग के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा था। आप चाहे तो स्टॉल ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पर जीन्स के साथ पेयर किया था तो मुझे स्टॉल लेने की ज़रूरत नहीं समझ में आ रही थी। और आप बताइएगा गाइस आपको कैसा लगा। और अगर मटेरियल की बात की जाए तो ये 100% कॉटन मटेरियल है इसका। और अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये मैंने ख़रीदा था 799 रुपीस का ये ड्रेस। और इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, लाइक और इसको मैंने ये जीन्स के साथ, लाइट जीन्स के साथ मैंने पहना हुआ था, तो ओवरऑल मेरा जो लुक था वो काफ़ी स्मार्ट लग रहा था। और स्पेशली गाइस इसका बैक तो ऑलरेडी मुझे इतना पसंद आया। और इसको मैंने यहाँ पर पेयर किया हुआ है इस हील के साथ, तो ये हील आप देख रहे होंगे गाइस। तो ये है मेरा लुक हील के साथ यहाँ पे। और ये हील जो है ऑब्वियसली मेरी हाइट को काफ़ी और अच्छे से इन्हांस कर रही थी और मैं स्टाइलिश दिख रही थी इस कुर्ती के साथ। जीन्स और कुर्ती का कॉम्बिनेशन तो गाइस ऑलरेडी बहुत स्टाइलिश दिखता है अगर अच्छी तरीके से मिक्स एंड मैच करके पहना जाए तो। तो ये था मेरा लुक और इसके साथ मैंने ये नेकलेस यहाँ पर पहना था और ये नेकलेस भी इसके साथ काफ़ी अच्छा जा रहा था। और इसके साथ मैंने ये बैग लिया हुआ है, आप चाहे तो इसको इस तरीके से ले सकते हैं और इसमें ये शोल्डर के साथ भी आप इस तरीके से
इसको हैंग कर सकते हैं। तो मेरे पास दोनों ऑप्शन थे इस बैग के साथ, तो मैं कभी इसको हाथ में पकड़ के ले लेती हूँ, तो कभी ऐसे शोल्डर पे ले लेती हूँ। तो दोनों ही तरीके से ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और आई होप गाइज ये लुक आपको काफ़ी अच्छा लगा हो। ये मेरा फाइनल लुक है इस कुर्ती के साथ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं मेरे तीसरे ड्रेस की तरफ। ये है मेरा तीसरा ड्रेस जो मैंने गर्मियों में खरीदा था। ये भी कॉटन का ड्रेस है, और मैं गर्मियों में मोस्टली कॉटन ड्रेस पहनना काफ़ी पसंद करती हूँ। मुझे इवन गर्मियों के लिए कॉटन ड्रेसेस काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये इसमें ये बटन्स है, आप चाहो तो इसको नेक तक आप इसको कवर कर सकते हो, उसमें ये ऑप्शन था। और ये ओवरऑल ये लुक मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था इस कुर्ती का, स्पेशली क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्टमक है, तो ये मेरे स्टमक पार्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से हाइड कर रहा था। और इसको मैंने सेम जीन्स के साथ कैरी किया हुआ है इस कुर्ती को। इस कुर्ती को मैंने बाई किया था अजियो वेबसाइट से, और अगर प्राइस की बात की जाए तो इसको मैंने 600 में बाई किया था। और ये 100% कॉटन है, और आप हैंड वॉश कर सकते हो। यहाँ पर मैंने हेयर स्टाइल में, मतलब हाफ हेयर को मैंने यहाँ पर क्लच कर लिया था इस अम्ब्रेला क्लचर से, और मतलब हाफ मेरे जो हेयर है ओपन थे और हाफ मैंने ऐसे कवर कर लिया था। तो इसके साथ ये हेयर स्टाइल मुझे थोड़ा अच्छी लग रही थी, तो मैंने इस तरीके से हेयर स्टाइल अपनी रखी थी यहाँ पे। यहाँ पर मैं दो इयर रिंग कंपेयर करके देख रही हूँ, विच वन इज़ लुकिंग गुड इस कुर्ती के साथ। तो फाइनल मैंने ये लीफ वाली सेलेक्ट की थी। आप गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कौन सी अच्छी लग रही थी। तो मैंने इस लीव इयर रिंग को पेयर किया फिर इस कुर्ती के साथ। इसकी जो एल्बो में लटकन है वो मुझे इतनी स्टाइलिश लग रही थी। इवन जो डाउन डाउन साइड पे ब्लैक कलर की लटकन है वो भी मुझे इस कुर्ती का मुझे बेस्ट पार्ट यही लग रहा था, और ये मुझे काफ़ी स्टाइलिश लग रही थी स्पेशली जीन्स के साथ। आप चाहे तो इस कुर्ती को लाइक पटियाला, धोती पटियाला जो पैजामा होता है उसके साथ भी ये काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगी। मैंने यहाँ पर जीन्स के साथ इसको पेयर किया हुआ है। इसके साथ मैं यहाँ पर ये शूज ट्राई कर रही हूँ, और फाइनल मेरा ये लुक सूज के साथ है। और सीरियसली मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था ना इसका लटकन। और ये ओवरऑल लुक, इसके साथ मैंने ये मारवाड़ी पर्स लिया हुआ है, मुझे इसके साथ ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये मेरा कंप्लीट लुक है इस कुर्ती के साथ, और इसका जो रेड कलर है वो मुझ पे काफ़ी शूट कर रहा था। तो आई होप गाइस ये फाइनल लुक मेरा आपको अच्छा लगा हो। तो ये है मेरा नेक्स्ट समर कलेक्शन। ये भी गाउन है, बट इस गाउन की जो साइज़ है वो मुझे नी तक आती है। तो इसका कलर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, ब्लू कलर वैसे भी मेरा फेवरेट है। और ये प्योर कॉटन है, अगर मटेरियल की बात की जाए तो ये काफ़ी सॉफ्ट कॉटन है, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी कंफर्टेबल था। और ये जो है हाफ स्लीव, हाफ इन द सेंस लाइक फुल नहीं थी, एल्बो से भी थोड़ा नीचे तक इसकी स्लीव्स थी। इसके साथ जो हेयर स्टाइल का पार्ट जो है वो मैंने हाफ कवर किया हुआ था यहाँ पे, और हाफ जो हेयर है वो मैंने ओपन किए हुए थे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर हेयर स्टाइल की थी। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी हेयर स्टाइल कर सकते हैं, मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर किया था क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं बैक में मुझे कुछ हाईलाइट करना है या बैक में कोई डिज़ाइन है। तो इस कुर्ती के साथ मैंने इस तरीके से हेयर स्टाइल यहाँ पर की हुई है। इस लुक को मैंने सिंपल रखा है, तो इसके साथ मैंने ये छोटी इयर रिंग यहाँ पर इसके साथ वेयर किया हुआ है। ये कलर कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, और इयर रिंग का जो कलर था वो सिल्वर और ब्लैक कॉम्बिनेशन में था, और मुझे बहुत सिंपल लुक रखना था इसके साथ, तो इसलिए मैंने कोई हैवी इयर रिंग यहाँ पर नहीं वेयर किया। तो इसके साथ मैं यहाँ पर ये वाइट कलर के शूज़ डालने वाली हूँ। उसके साथ वाइट कलर के मतलब शूज़ मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। मुझे यहाँ पर सिंपल लुक चाहिए था, और वैसे भी ये गाउन नी तक है, और किसी भी ऐसी कोई ड्रेस जो नी के थोड़ा सा नीचे आए तो उसके साथ आप वैसे भी वाइट कलर के शूज़ डालो, आपका लुक कंप्लीट हो जाता है। तो ये देखिए इस शूज़ के साथ ये ड्रेस कितनी अच्छी लग रही थी वैसे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा लुक कैसा लगा। और अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको ज़रूर इम्प्रूव करूँगी।
इसके साथ मैंने ये यहाँ पर हैंडबैग कैरी किया हुआ है। ये जो हैंडबैग है इसमें इसकी खास बात ये है कि मतलब इसके ऊपर जो ये स्टोन वगैरह वाइट स्टोन्स लगे हुए हैं, ये काफ़ी अच्छा है। आप चाहो तो इसको ऐसे हैंड में भी पकड़ सकते हो, और चाहे तो आप इसको शोल्डर में अगर मतलब लटका के स्टाइल करना चाहते हो देन यू कैन गो अहेड। दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो मैंने इसके साथ ये यहाँ पर शोल्डर में इसको कैरी किया है। तो ये है मेरा फाइनल लुक इस ड्रेस के साथ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा। ये मेरा नेक्स्ट लुक है। तो ये शर्ट जो है मैंने अजियो से खरीदी थी, और ये जो पैंट है ये मैंने मिंत्रा से खरीदा था। तो अगर शर्ट की बात की जाए तो शर्ट का जो मटेरियल है वो रेयॉन है, और इसको मैंने अजियो से शॉपिंग की थी। मुझे काफ़ी स्टाइलिश लगा था, और ये हैंड वॉश है, इवन पैंट भी हैंड वॉश है। इसको मैंने मिंत्रा से शॉपिंग किया था, और इसका जो प्राइस है शर्ट का वो मुझे 336 या 400 के अंदर पड़ गया था ये शर्ट मुझे। और इस शर्ट का कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और ये जो पैंट है ये मुझे अप्रॉक्सीमेट कुछ 1000 तक, अगेन मैं इसको वाइट कलर के शूज़ के साथ पेयर कर रही हूँ, और ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। ये इयररिंग मैंने इसके साथ यहाँ पर पेयर किए हैं, और अगेन मैंने यहाँ पर ये ब्लू बैग के साथ इसको पेयर किया है। तो दिस इज़ माई फाइनल लुक। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा लुक कैसा लगा। और यहाँ पर मैंने पोनी रखी है, इसके साथ मुझे यहाँ पर सॉरी जूड़ा रखा हुआ है। यहाँ पर मुझे इसके साथ जूड़ा काफ़ी स्टाइलिश लग रहा था। आप चाहो तो इसको शोल्डर पे भी रख सकते हो, इसके साथ ये दोनों ऑप्शन है। तो आप चाहो तो हैंड में रखो या फिर इसको शोल्डर पे ऐसे कैरी कर सकते हो, तो चॉइस इज़ योर। तो मैंने यहाँ पर, मैं कभी ऐसे हैंड में पकड़ लेती हूँ, तो कभी ऐसे यहाँ पर शोल्डर पे हैंग कर लेती हूँ। तो दिस इज़ माई फाइनल लुक। तो अब बात करते हैं जो अभी मैंने पहना हुआ है। तो ये जो ड्रेस है ये मैंने कोई ऑनलाइन परचेस नहीं की थी, इसको मैंने बिग बाजार से परचेस किया था। तो इसका कलर भी नेवी ब्लू है, और एक्चुअली ब्लू कलर मुझ पर काफ़ी शूट करता है और मेरा फेवरेट कलर भी है। तो आपको मोस्टली कलेक्शन मेरे पास आपको ब्लू कलर ही मिल जाएंगे, ब्लू या रेड। तो ये यहाँ पर मैंने सेम ईयरिंग यहाँ पर पेयर की है, और जो हेयर स्टाइल है वो मैंने पोनी रखी हुई है। तो दिस इज़ माई फाइनल लुक। नो मेकअप, ओनली लिपस्टिक एंड लाइनर यहाँ पर मैंने कैरी किया हुआ है, एंड सेम वाइट कलर शूज़ यहाँ पर मैंने पेयर किया हुआ है इसके साथ। तो ये काफ़ी स्टाइलिश लग रहा था। तो आई होप गाइज ये लुक भी आपको मेरा काफ़ी अच्छा लगा हो। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट लुक आपको कौन सा अच्छा लगा। यहाँ पर मैंने सेम ब्लू कलर का पर्स यहाँ पर इसके साथ मैच किया हुआ है। तो दिस इज़ माई फाइनल लुक। आई होप गाइज आज का वीडियो आपने इन्जॉय किया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहिएगा। गाइज आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया हो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कर लें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और यहाँ पर भी हाईलाइट कर दूँगी। तो प्लीज़ मैं वहाँ पर, मैं इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहती हूँ, स्टोरी रील्स पोस्ट, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं जल्दी अपडेट पाने के लिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो तब तक के लिए मैं चलती हूँ, बाय बाय।